हे गाइस, वेलकम वेलकम टू माय चैनल आसान वॉइस। मैं हूं आपके साथ गैवी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल गया है। तो आज का वीडियो है सेवन सिंग्स ऑफ एन आइडियल लाइफ पार्टनर। एक आइडियल लाइफ पार्टनर होने के लिए ऐसा कौन सा सात सिंग्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही ज़रूरी है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो नोटिफिकेशन वो तुरंत ही मिलती रहे। और इस वीडियो को देखने के बाद, इस पॉइंट को देखने के बाद, अगर आपको लगता है आपका खुद का कुछ ओपिनियन है, आपका कौन सा आपका लगता है जो ए पॉइंट एक आइडियल पार्टनर लाइफ पार्टनर के अंदर रहना चाहिए, तो प्लीज़ फिर एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है मैच्योरिटी। एक आइडियल लाइफ पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैच्योरिटी किसी के अंदर नहीं रहते हैं तो एक दूसरे से जो बात करेंगे, एक दूसरे से जो डिस्कस करेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे। तो अगर मैच्योरिटी नहीं होगा तो समझ नहीं पाएंगे, तो मैच्योरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ओपननेस, एक दूसरे से ओपननेस रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे से सब कुछ खुलासा नहीं करेंगे, कुछ बात छुपा के रखेंगे, अपने आप से कुछ शेयर नहीं करेंगे, तो वो पार्टनर आइडियल नहीं बनेगा। अगर खुद दोनों के अंदर ओपननेस रहेंगे, ठीक है, तो वो आइडियल लाइफ पार्टनर बनने का मतलब बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, किसी के अंदर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी रहना चाहिए, सिर्फ आइडियल लाइफ पार्टनर होने के लिए नहीं, लाइफ में मेरे हिसाब से सबके अंदर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होना चाहिए। एक ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आपको लाइफ में आगे बढ़ने का बहुत सारा चांस देंगे। तो ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी सिर्फ लाइफ पार्टनर बनने के लिए हमेशा ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एम्पैथी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर सहानुभूति नहीं रहते आपका पार्टनर जो किए हैं एक दूसरे से, सो एम्पैथी नहीं रहता है तो वो आइडियल लाइफ पार्टनर ही बनेगा। उसके बाद रेस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस, रेस्पेक्ट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक दूसरे से रेस्पेक्ट करना चाहिए और एक दूसरे को इंडिपेंडेंस भी रहना चाहिए। इंडिपेंडेंस रहने के लिए चांस देना चाहिए, है ना। इंडिपेंडेंस नहीं रहेंगे आप जो करना चाहते हैं, अगर अपोजिट साइड से आपको वो नहीं करने देते हैं तो क्या होता है, आपको मन अच्छा नहीं रहेगा, आपको वो आपका जो फीलिंग्स है आप जो शेयर किए हैं अगर वो अप्रूव नहीं होते तो कैसे लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना ज़रूर। तो रेस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस रहना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद अफेक्शन मतलब लव, स्नेह। एक दूसरे से अगर लव नहीं रहते, अफेक्शन नहीं रहते तो आइडियल पार्टनर बन ही नहीं पाएंगे, तो अफेक्शन भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद सेंस ऑफ ह्यूमर भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अपना खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं रहेंगे तो एक दूसरे से आप कैसे एक दूसरे को कैसे समझेंगे। तो सेंस ऑफ ह्यूमर से आप समझ पाएंगे आपका ऑपोजिट पर्सन क्या चाहते हैं। अगर वो क्या चाहते हैं उसको खुद को जानने से आप अगर जान लेते हैं तो वो तो आइडियल पार्टनर हम 100% बन जाएंगे ना। तो फ्रेंड्स, इस 7 पॉइंट को आप ध्यान रखिए और आप कोशिश कीजिए आपके अंदर इस 7 पॉइंट को लेने के लिए, ठीक है। तो चलिए क्या क्या 7 पॉइंट है आज देख लेते हैं। 1 मैच्योरिटी, 2 नंबर ओपननेस, 3 ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, 4 एम्पैथी, 5 रेस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस, 6 अफेक्शन, 7 सेंस ऑफ ह्यूमर। तो फ्रेंड्स, इस 7 पॉइंट को अपने अंदर लेके आओ, एक आइडियल लाइफ पार्टनर आप बन जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो एक बार लाइक और शेयर कीजिए अपना दोस्तों के साथ और ज़रूर कमेंट कीजिए आपका हिसाब से कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।